क्या आपको भी फ्री फायर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है? मतलब आप जैसे ही फ्री फायर को गूगल के साथ कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आप अपना फ्री फायर अकाउंट गूगल के साथ लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं यार, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना फ्री फायर अकाउंट गूगल के साथ आराम से कनेक्टेड कर सकते हो और लॉगिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपना फ्री फायर अकाउंट गूगल के साथ कनेक्टेड कर लो एकदम आराम से। तो सबसे पहले आप जब फ्री फायर ओपन कर रहे हो, ओपन करने के बाद जैसे ही आप ऐसे गूगल से सिंग इन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सिंग इन विद गूगल पे जैसे ही टैप कर रहे हो, तो आपके सामने नेटवर्क कनेक्शन एरर या नेटवर्क बिजी प्लीज ट्राई अगेन लेटर ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब जैसे ही टैप कर रहे हो आपके सामने कोई भी टेक्निकल इशू दिखा रहा है बट लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये सॉल्व कैसे करोगे? एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना फ्री फायर अकाउंट आराम से गूगल के साथ कनेक्टेड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं यार, वीडियो पूरा एंड तक देखना है और जो भी मैं कहूँगा, मतलब जो भी मैं करूँगा वो सेम टू सेम करना है सिवाय मेरे आईडी के, आपकी आईडी पे ट्राई करो। तो चलो वीडियो शुरू करते बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आपका फोन का सेटिंग ऑन कर लो। करने के बाद आपको आधार वायरलेस कनेक्शन वाला एक ऑप्शन अब तो देखने को मिल जाएगा सेटिंग के अंदर, तो सिंपली उस पर टैप कर दो। करने के बाद आपको प्राइवेट DNS एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, पहले ऑन करना है, ऑटो करना है, फिर से ऑफ करना है, फिर से ऑटो करना है, फिर से ऑफ करना है, करके ऑटो करके छोड़ देना है। समझे? अरे नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली ऑटो कर देना है, अगर ऑटो है तो ऑफ करके ऑटो कर देना है, बस इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट एंड साइनिंग वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप करना है। करने के बाद आपको आपका गूगल पे टैप करना है। करने के बाद आपका जो गूगल अकाउंट है जिससे आप फ्री फायर चलाते हो, तो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप करने के बाद साइनिंग नाउ, तो आपको सिंपली क्या करना है, साइनिंग कर देना है, ताकि सब जगह पे आपका वो एक गूगल अकाउंट साइनिंग हो जाए, ताकि आपका फोन का हर एक जगह पे ये वाला अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इधर से ये हो जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, देख सकते हो राइट आ गया है, तो आपका सारे जगह पे ये जो है आपका साइनिंग हो चुका है। उसके बाद इधर से बैक चले जाओ, सीधा बैक कर लो और कुछ नहीं करना है, इधर से सीधा बैक चले जाओ। बैक जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली उस पर टैप करो। करने के बाद आप जो भी खेलते हो यार, फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स, उसको ओपन कर लो। करने के बाद स्टोरेज यूज वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप करो। करने के बाद एक बार लेके दो बार या तीन बार चाहे तो आप कर सकते हो, ये जो क्लियर कैच है इसको दो तीन बार टैप करो, आपका मर्जी जितनी बार करना चाहते हो आपका टैप कर लो। करने के बाद आप सीधा बैक पे चले जाओ, इतना ही करना है सेटिंग के अंदर और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फ़ोन को थोड़ा सा रिबूट या रीसेट जो भी आप कहते हो साइट स्विच दबा के जो करते हैं वो एक बार कर लो, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप सीधा फ्री फायर पे चले जाओ, जाने के बाद आपको लॉगिन पे टैप करो, मतलब गूगल सिंग इन विद गूगल पे टैप करो, तो आराम से आपका अकाउंट जो है वो फ्री फायर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है और क्या नहीं। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं यार, कमेंट्स पे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।